क्या स्कूल है? और ये हम गिरिडीह गली, ये तो पुराना है, टूट चुका है, तो व्यू ले रहा था 360। सो हम लोग पारसनाथ का मधुबन मार्केट चढ़ना है हम लोगों को। यहाँ की सीक्रेट ये है, सो फाइनली वहाँ पे वो हेलीपैड, यहाँ से जूते चप्पल यहाँ खोलने पड़े। आराम से कैमरा वैमरा सब रखिएगा, देखता हूँ मैं क्या होता है। सो यहाँ पे अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था। तो कितने साल से हैं आप लोग यहाँ पे? अरे विनोद। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो वापस एक नया व्लॉग, नया सुबह, नया जर्नी, नया लोकेशन। सो हम लोग जा रहे हैं पारसनाथ की ओर, और बस हम लोग बस देखिए, क्योंकि वो ऐसा जगह ही है जिसे बोलने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या स्कूल है? नवोदय विद्यालय। शिखर जी या श्री शिखर जी या पारसनाथ पर्वत, भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित एक पहाड़ी है, जो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल भी माना जाता है। तो यहाँ पे वो वाला जो एरिया है, आपको पता नहीं हो रहा है कि नहीं, वो खंडोली डैम का एरिया है। लेकिन टाइम उतना है नहीं कि हम लोग यहाँ पे रुक सकें, क्योंकि ये सच में बहुत परफेक्ट प्लेस है खंडोली। मैंने भी कुछ वीडियोज में देखा है, लेकिन सच में टाइम नहीं है, टाइम की कमी कारण हम लोग नहीं रुक पा रहे। वहाँ पे पहाड़ भी है खंडोली डैम का। सो बस चलिए फिर आगे दिखाता हूँ मैं। और ये हम गिरिडीह गलियों में एंटर कर चुके हैं। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है। कहा जाता है कि शिखर जी के रूप में चर्चित इस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकारों सर्वोच्च जैन गुरुओं ने मोक्ष की प्राप्ति की थी। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अच्छा ये तो पुराना है, टूट चुका है। ये घाट का सबसे लंबा नदी है, 300, जहाँ तक मुझे पता चला। पता नहीं। सो हम लोग को पहाड़ पारसनाथ के दिख चुके हैं, और मैं तो व्यू ले रहा था 360 से। अभी सडनली मैं देखता हूँ ऊपर इतने बड़े बड़े पहाड़, तो किसी का माहौल ही नहीं है अब तो। वैसे सब चार्ज पे लगा चुका हूँ मैं, इधर ड्रोन का बैटरी चार्ज हो रहा है, इधर कुछ फोन चार्ज हो रही है, और इधर 360 से व्यू ले रहा था मैं, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो हम लोग पारसनाथ का मेन गेट है जो वो क्रॉस कर रहे हैं, ये है पारसनाथ का मेन गेट। बुद्ध वंशाणामि गच्छामि, व्हाट अ ब्यूटीफुल गेट। गाड़ी अंदर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। यहाँ रिनोवेशन का कुछ काम चल रहा है वैसे, जो कि बहुत अच्छा है, और लिटरली बहुत ही प्यारा जगह है। यही 23वें तीर्थकार भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया था। So we are entering the main market, the main place of Parasnath. This is not a main place, I think. Main market, this is the main market. Madhuban market, I think, na? This is Madhuban market. And हम लोग ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर पारसनाथ मंदिर। और यहाँ से कितना, यहाँ से 9 किलोमीटर है ना, और पैदल रास्ता 9 किलोमीटर। हाँ पैदल रास्ता 9 किलोमीटर है, तो देखते हैं आगे कैसे जाएंगे। बीच बीच में दिखाते भी रहेंगे आप लोग को कि कैसे जाया जाए, और कुछ सीक्रेट ही बताते जाएंगे उसके बीच बीच में। परफेक्ट प्लेस, कांट एक्सप्लेन, कुछ चीजें आके भी पता चलती है। दार्जिलिंग के जैसा लग रहा है। हाँ दार्जिलिंग, क्योंकि चढ़ाई दार्जिलिंग जैसा लग रही है, क्योंकि हम लोग दार्जिलिंग से गए थे ना, इसी तरह था ना क्या, गाड़ी चलाने में हालत खराब हो गया था दार्जिलिंग में भी। लेकिन दार्जिलिंग का व्लॉग एक भी नहीं आ पाया था, लेकिन यहाँ का मैं प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि दार्जिलिंग का प्लान बनते रहता है ना, तो फिर से बनाऊंगा यार।
तो हमने ये मंदिर का तो कवर कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि अंदर नहीं हो सकता क्योंकि अभी ऊपर चढ़ना है हम लोगों को, तो इसलिए। और मैं भी ये पालकी से लोगों को ऊपर चढ़ाया जाता है, पर कोई नहीं, मतलब अभी बहुत ऊपर चढ़ना है तो उस हिसाब से टाइम को देखा जाएगा और उस टाइम उस हिसाब से शूट किया जाएगा। सो मैंने कुछ फ़ोटोज़ तो ली है जो कि आप लोगों को दुमका मेरी जान में देखने को मिलेगी, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अब। सो यहाँ की सीक्रेट ये है कि आप लोग बाय बाइक भी यहाँ से जा सकते हो। सो हम लोग बाय बाइक ही जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और जाना बहुत चुका है इसलिए। सो बीच बीच में रास्ता नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऐसा ये इलीगल है इसलिए। तो मैं भी साथ ऊपर ही बैठूंगी या फिर छोटा छोटा नज़ारा में लेते रहूँगा। ओके 1350 मीटर यानी 4430 फुट ऊंचा यह पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है। सो फाइनली एवरीवन हम लोग पहुंच चुके हैं, यहाँ तक बाइक नहीं जा पाएगी तो यहाँ से हम लोग ऊपर जाना पड़ेगा। और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द ऊपर घिस जाऊँ बस यही। और फिर आगे का मुझे पता नहीं कैसे जाया पे जाएगा, और सब कोई लकड़ी लेके जा रहा है तो मैं भी सहारा के लिए मैं भी ले लूँगा, एक्सपीरियंस हर चीज का होना जरूरी है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस लग रहा है मुझे ये तो लिटरली। चलिए फिर मैं आगे जाता हूँ। सो हम लोग वहाँ तक बाइक से आए थे, वो जो वाइट है, और वहाँ से यहाँ तक लिटरली चढ़ने में मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 9 किलोमीटर वहाँ से नीचे से ऊपर तक कवर करने में सच में हालत ख़राब हो जाती है, मतलब क्या ही बताऊँ। चलिए फिर आगे दिखाता हूँ मैं। वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा वहाँ एक हेलीपैड भी है, छोटा सा दिख रहा होगा आप लोग इस वाले पॉइंट, इस जगह पे हेलीपैड एक है जो कि हम लोगों के लिए तो नहीं है ऑब्वियसली सब आता है। और ये जो टावर है ये पोस्टपेड है, नॉट अ प्रीपेड। सो पोस्टपेड कहीं भी नेटवर्क आ जाता है लेकिन प्रीपेड में वही दिक्कत है जो ऑब्वियस बात है, पोस्टपेड हम लोग के लिए नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें गरीब है, हम लोग गरीब हैं। चलिए फिर और आगे चलिए फिर। परफेक्ट व्यू विद द परफेक्ट वेदर। सो आप लोगों को हेलीपैड यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा होगा, आप लोग देख सकते हो हेलीपैड, नीचे से उतना नज़र नहीं आ रहा था विजुअलाइज, हाँ यहाँ से परफेक्ट नज़र आ रहा है। मन तो है किसी दिन हेलीपैड में अपना हेलीकॉप्टर उतारूँ, बट मे बी कितना जल्दी मैं अचीव कर सकता हूँ, द पॉइंट इज़ दैट। और अभी ऊपर है, मतलब कुछ तो ऊपर है। चलिए फिर और दिखाता हूँ। सो ऊपर जाने के लिए हम लोगों को अपने जूते चप्पल यहाँ खोलने पड़ेंगे, और जिनको जिन किन्हीं को भी पूजा करने का मन है वो यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं, बट हम लोग आज पूजा नहीं कर रहे तो प्रसाद हम लेंगे नहीं आज, बाकी ऐसे चलते हैं दर्शन अच्छे से होंगे, हम लोग बिना प्रसाद चढ़ाए दर्शन करेंगे क्या? नहीं भैया कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ एक बंदर आया, वो जो वहाँ पे बरसाती थे ले लिया बंदर ने, आप आराम से कैमरा वैमरा सब रखिएगा, पता चले कैमरा लेके फोटो खींच रहे हैं हम लोग को। सो दिस इज द मेन डोर।
डेस्टिनेशन पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये रहा पारसनाथ। अंदर मंदिर है, अब मुझे पता नहीं अंदर फ़ोन ले जाना अलाव है कि नहीं है, पहले इसलिए मैं पूछ लूँगा तब मैं अंदर लेके जाऊँगा। मैं उससे पहले आप लोगों को व्यू दिखा देता हूँ। सचुअली प्रॉब्लम ये है कि हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही है और मैं ड्रोन मेरे हाथ में, लेकिन मैं उड़ाने का सोच भी रहा हूँ नहीं भी, मतलब बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है, मतलब आई कांट टेक द रिस्क, आई डोंट नो, बट मुझे तो ये लग रहा है कि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ अभी फिलहाल, देखता हूँ मैं क्या होता है। यहाँ पे अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं कैमरा लेके अंदर गया नहीं था। मैं चादर तो लेके जा सकता था बट नहीं, रूल्स आर रूल्स, दैट्स व्हाई आई डोंट प्रीफर टू टेक अ कैमरा इनसाइड। सो फाइनली अब जाने की तैयारी हो चुकी है, इतनी हवा चलने के बावजूद मैंने एक छोटा सा क्लिप ले लिया है। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे अपना जूता चप्पल रखे थे। सो थोड़ा सा पिया जाए गन्ने का जूस। कैसे भैया? 30 रुपये का एक गिलास नहीं पी लेंगे एक गिलास में 20 रुपये। तो आप लोग रोज ऊपर आते हैं? रोज डेली। ओह, और जाते हैं डेली नीचे? अच्छा, हम लोग का डेली आना जाना रहता है। सही है। तो कितने साल से हैं आप लोग यहाँ पे? यहाँ पे हम फिलहाल वही 3-4 साल होगा। अच्छा, सही है। पढ़ते थे। तो अगर यहाँ बारिश वरिश होती है तो आप लोग क्या, मतलब कैसा लगता है? बारिश में भी ठंडा नहीं लगेगा और गर्मी में भी ऐसी गर्मी नहीं लगेगा। ओह सही है, मतलब एक नंबर लगता है हमेशा। सही है। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? कार्तिक माथुर। कार्तिक माथुर, तो आप लोग पारसनाथ अगर आते हैं तो यहाँ पे आके गन्ने का जूस पीजिए। ऐसे मैं टेस्ट बताऊंगा कैसा लगा। टेस्ट इन द सेंस अच्छा ही लगेगा बट आप लोग बता दूंगा रिव्यू। अभी काला नमक अभी तक नहीं दिए। अच्छा ठीक है। नहीं ठीक है, जिसको जिसको चाहिए ले लीजिए। नहीं, विदाउट काला नमक हमको भी चाहिए, बिना काला नमक। थैंक यू भैया। थैंक यू। नमक डाल दे अब? हाँ डाले। नमक बस टेस्ट बताता हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्ट तो बाद में भी कर लेंगे, मतलब टेस्ट तो बताने से अपना रियर व्यूअर को। तो बस टेस्ट बहुत अच्छा है, सच में बहुत अच्छा है भैया। अच्छा ही मिलता है। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप है जहाँ आप लोग आके खाना पीना खा सकते हो, और ऑब्वियसली थोड़ा सा तो महंगा पड़ेगा क्योंकि आप लोग नीचे से आओगे और इधर खाओगे तो जो यहाँ ऊपर हैं थोड़ा सा तो कॉस्टली है, ऐसा नहीं। जैसे कि बस मैंने मैगी का दाम पूछा था तो 5 रुपये वाला जो पैकेट है और वो 25 का ये देंगे बना के, और सही है। मतलब ये लोग इतना ऊपर आप लोगों को खाने पीने का थोड़ा व्यवस्था कर रहे हैं तो अभी से बात है थोड़ा दाम लेंगे ही। सो हम लोग वापस नीचे की ओर जा रहे हैं, उधर भी कुछ मंदिरें हैं लेकिन क्षमता नहीं है, इतना समय क्षमता नहीं है ना, इतना थक नहीं थके हैं फिर भी। सो बाकी मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, नो डाउट।
और अभी 2 बज चुके हैं और 2 बजे हम लोग नीचे उतर रहे हैं, तो ओवरऑल अच्छा लगा। सो बहुत जल्द फिर से आना होगा पारसनाथ, और एक प्रॉपर तभी मतलब एक्चुअली मैं इस बार 2-3 जगह से कहीं और से ही आ रहा हूँ। डायरेक्ट घर से आता ना तो बहुत ज़्यादा जोश लेके आता, लेकिन जोश तो थोड़ा ख़त्म हो चुका था 2 दिन से। वैसे ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो बाकी चलिए फिर इस बार नई वीडियो में आप लोगों से नए कॉन्सेप्ट नई जगह के साथ मुलाकात होगी। सो बाय बाय एवरीवन। अरे विनोद, यहाँ भी कुछ तकलीफ हो गई क्या आपको? सो उतरने क्रम में अगर आप चाहो तो इस टाइप के शॉर्टकट भी ले सकते हो, बट मैं किसी को बोलूँगा नहीं। मैं तो अपने रिस्क पे उतर रहा हूँ, बट आप लोग और जूता का नीचे तो बड़ा गंदा हाल हो जाता है एक्चुअली में, लेकिन हाँ आप उतने घूम के जाओगे आगे वहाँ रास्ता है, तो बस बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मतलब कि। और एक्चुअली में इधर से आओगे तो नया नया थोड़ा ये जगह मिलेगा, उधर से आओगे तो नॉर्मल मिलेगा, मतलब टाइम पास के लिए क्योंकि 1 घंटा चलना है ना अभी। तो बस को रास्ते में इस टाइप की प्राकृतिक झूला मिलते जाएगी।